इनके कहने से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी 1951 से जनसंघ और भाजपा की दृष्टि से लोगों के बीच में काम कर रही है, जनसेवा कर रही है। अनेक बार केंद्र में भी सरकार बनाई है और अन्य राज्यों में भी बनाई है। क्या लोगों को मालूम नहीं है इनके गुंडागर्दी कहने से गुंडागर्दी हो जाएगी क्या? गुंडे तो ये लोग हैं, अमानतुल्ला खान कितना बड़ा गुंडा है कोई इनसे सवाल पूछे, ताहिर हुसैन ने क्या किया कोई इनसे सवाल पूछे, अभी अभी गुड़गांव की एक पार्षदा वो भी दंगा कराते में पकड़ी गई कोई इनसे सवाल पूछे, अभी जहांगीरपुरी में दंगे हुए अंसार किस पार्टी का था कोई इनसे सवाल पूछे। गुंडागर्दी तो ये खुद करते हैं, ये दूसरों को क्या बताने जा रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जनसेवा वाली पार्टी है। हाँ, हम मुद्दा उठाते हैं देश हित के। हाँ, हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के यहाँ रखे जाने और उनको फैसिलिटी देने जाने का विरोध करते हैं। तो क्या हम गुंडे हो गए? अब ये तरह तरह की बातें लोगों से कर रहे हैं, लोग इन पर हंस रहे हैं कि ये अराजक तत्व हैं और मैं अनार्किस्ट हूँ, ऐसा स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था 26 जनवरी पर जब इन्होंने गणतंत्र यात्रा रोकने का मन बनाया था और धरने पर बैठे थे। तो ये तो अनार्किस्ट लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का यूनियन में जाके समर्थन करते हैं, ये एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं और ये पलटू राम भी हैं। कितने नेताओं से माफ़ी मांगी इन्होंने, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी, रमेश भिदौड़ी जी, किस किस से इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। ये तो पलटू राम है, ये कहते थे कि राम मंदिर के बारे में भी इनकी टिप्पणी अच्छी नहीं थी, ये हॉस्पिटल और शौचालय बनाने की वहाँ बात करते थे, आज कहते हैं मैं राम भक्त हूँ। तो ये इनका चरित्र ही ऐसा है। अब आप देखें योगा टीचर की बात कर रहे हैं, मैं तो वेलकम करता हूँ, लेकिन योगा अब नींद से क्यों जगे हो? प्रधानमंत्री ने यूएनओ में जा कर के योगा डे स्थापित कराया, पूरे दुनिया के देश उसको मना रहे हैं, एक तरह से दुनिया के आगे योगा के ब्रांड एम्बेसडर बने प्रधानमंत्री, तब ये कहाँ सो रहे थे? तो इनकी आदत है दूसरे पर पत्थर फेंको और भाग जाओ, ये इनका बिहेवियर एनार्किस्ट का है और ये स्वयं भी मान चुके हैं।